बिहार में वाहन जांच के दौरान पुलिस पब्लिक भिड़ंत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइड इफेक्ट का एक ताजा मामला बक्सर में सामने आया है, जहां एक स्थानीय युवक ने फाइन भरने के विवाद को लेकर दरोगा को फाड़ कर रख देने की धमकी दी। युवक की धमकी के बाद दरोगा से उसकी भिड़ंत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बक्सर की है। जानकारी के मुताबिक शहर के शिक्षक कॉलोनी के रहने वाले कमल कुमार ने कागज नहीं रहने के एवज में फाइन भरा था। फाइन देने के कुछ देर बाद जब कमल कुमार ने टाउन थाना के SI रोशन कुमार को बगैर हेलमेट के देखा तो उसने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही झड़प हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। इस दौरान युवक दरोगा को DGP से लेकर DM तक से शिकायत कर कार्रवाई करने की धमकी देता रहा, साथ ही फाड़ देने की बात कही। युवक के धमकी के बाद दरोगा ने भी उसे अपशब्द कहे और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले गया। बीच सड़क पर हुई इस घटना में दरोगा भी लगातार फाइन देने की बात कहता रहा, लेकिन युवक उससे उलझता रहा और लोग इस घटना को अपने मोबाइल में शूट करते रहे। इस मामले में बक्सर SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने कार्रवाई करते हुए टाउन थाना के SI रोशन कुमार को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि SI ने पब्लिक प्लेस पर अच्छा व्यवहार नहीं किया और ट्रैफिक रूल्स का पालन भी नहीं किया। वीडियो हेलमेट क्या चल रही है? फाइन देंगे बिना हेलमेट फाइन देंगे सारे के डिजाइन।